Someone says, is steroid like omnicotyl a good preventive medication if someone has symptoms, or should it only be consumed by a doctor's prescription? I would assume the second, but Dr. Dheeraj, do you have a point of view on this? You're on mute, I think. Omnicotyl, is that a trade name or Yeah, that's a brand name. That's a methylprednisolone. Oh, methylprednisolone. Okay, yeah. Okay, so let's understand this disease a little bit. Okay, why you use steroids? ये पहले अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको जब भी कोविड का सिम्टम होता है तो देर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स विच हैपन. योर बॉडी ट्राइज टू फाइट द इन्फेक्शन. ओके, सो यू गेट वॉट इज कॉल्ड एज योर टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड देन यू हैव वॉट इज कॉल्ड एज, अगर आप में एंटीबॉडी है और आपका वो रेस्पॉन्स है, आप वैक्सीनेटेड है, तो वो फाइट करता है. पर इनिशियली आपका बॉडी फाइट करता है. जो आपको बुखार होता है, फीवर होता है, ऑल दिस इज साइन ऑफ योर बॉडी ट्राइंग टू फाइट द इन्फेक्शन. ओके, सो यू डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग एट दिस स्टेज विच विल स्टॉप द बॉडी फ्रॉम फाइटिंग योर इन्फेक्शन. जैसा मैंने आपको कहा कि दिस इज अ बाइफेजिक डिजीज, तो जब भी आपका पहला बॉडी इन्फेक्शन फाइट करके आप ठीक हो रहे हैं, देन सडनली योर बॉडी गोज इन टू वॉट इज कॉल्ड एज साइटोकाइन स्टॉर्म. ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, ये आपका बॉडी एकदम ओवर एक्टिव हो गया, यू नो, सडनली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया आपका बॉडी को, इम्यून सिस्टम को, फिर जाके वो फाइट करता है. एंड वेन इट स्टार्ट फाइटिंग, इट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग योर ओन सेल्स, थिंकिंग एवरी वन इज द एनिमी. इट बिकम्स ब्लाइंड. इट्स लाइक, यू नो, सडनली किसी को सुपर पावर आया और सबको मारता चला जा रहा है. जस्ट टू गिव यू एन एनालॉजी, सो एट दिस पॉइंट वी गेट द स्टीरॉइड्स टू ट्राई एंड टेल द इम्यून सिस्टम, ट्राई टू होल्ड इट, से जरा ठंडा हो जा. सो ऑल द अदर मेडिकेशंस व्हिच आर देयर लाइक टोसी और एवरीथिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्टॉपिंग द इम्यून सिस्टम. इफ यू इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिजीज वेर यू एक्चुअली बॉडी इज ट्राइंग टू फाइट, बेचारा अभी चालू कर रहा है फाइट करना, एंड यू स्टार्ट गिविंग स्टीरॉइड्स, या यू हैव कंप्लीटली स्टॉप द बॉडीज रेस्पॉन्स. ओके, स्टीरॉइड्स आर एन एक्सट्रीमली डेंजरस ड्रग. नॉर्मली बिफोर, इवन वेन वी स्टार्टेड स्टीरॉइड बिफोर रिकवरी ट्रायल, वी स्टार्टेड यूजिंग इट थिंकिंग देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, इट लुक्स लाइक साइटोकाइन स्टॉर्म. वी गेव स्टीरॉइड्स एंड देन द रिकवरी ट्रायल केम, इट प्रूव दैट वी वर राइट, स्टीरॉइड्स वर्क, इट वॉज गुड, द होल वर्ल्ड स्टार्टेड यूजिंग स्टीरॉइड्स. In a simple answer to your question, please do not become doctors at home because it is very, very dangerous, in especially in this condition more than anything else. अब भी हमारे हाथ में गूगल है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, बहुत सारा ज्ञान आ रहा है, रोज ज्ञान आ रहा है. यू नो, इट इज गुड, वी नो स्टीरोइड्स वर्क. आई मीन, इन आंसर टू अ क्वेश्चन विच इज डाउन अबाउट डेक्सामेथासोन, यस, डेक्सामेथासोन इज वेरी यूजफुल, बट इट इज यूजफुल ओनली इन अ हॉस्पिटल सेटिंग, इन इफ समवन रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड इज इन द साइटोकाइन फेज of the disease. Okay, before that please do not use anything. Now there might be a role where you call your doctor and your doctor says you have 3 to 4 hours, 5 days down the line you can use a inhaled steroid called as budesonide. Then of course, again, doctor ne aapko prescription diya uska and doctor wants to you to use it, there might be a role about it. There are some studies going on about it, but trying to take methylprednisolone, even doctors think before they prescribe methylprednisolone. Yeah, it is a very strong steroid, so it is not something I would advise you to take over the counter or give to your relative unless you have consulted a doctor. And that's my opinion about steroids. Shailendra, ये बहुत ही important question है. मैं बता रहा हूँ, मुझे दिन के 10 फोन आते हैं कि मेरा पड़ोसी मेड्रोल खा रहा है. मेड्रोल is the most commonly used brand name for methylprednisolone. कि मैंने भी 32 mg BD ले लिया है, अब आप मुझे बताइए मैं 16 कब करूँ, 8 कब करूँ, which is a very frightening scenario. सिमिलरली ओमनाकोटिल प्रेडनिसोलोन. सो मेरी ये बड़ी एक पुरजोर अपील है सबसे, जैसे डॉक्टर धीरज ने बोला, स्टेरॉइड्स विल हेल्प बट दे कैन हार्म मोर. इसकी एक टाइमिंग है, इसकी एक क्लिनिकल सेटिंग है जहां पे स्टेरॉइड फायदा करता है. उससे पहले देंगे, उससे ज्यादा मात्रा में देंगे, तो इसका नुकसान होगा. और एक बार स्टेरॉयड आप शुरू कर लें तो ये मल्टीवाइटमिन नहीं है कि जब जी चाह बंद कर लिया. दे हैव टू बी टेपर्ड डाउन, इनको धीरे धीरे बंद करना पड़ता है, अदरवाइज रिबाउंड रिएक्शन भी होते हैं बॉडी के. सो ये समझना बहुत जरूरी है. प्लीज, बहुत ज्यादा प्रेशर है पेशेंट्स का हमारे ऊपर कि हमारा पड़ोसी ये ले रहा है, वो मेड्रोल खाया, ठीक हो गया. और आप ये मानेंगे नहीं, लोग एंटी कोएगुलेंट्स ले रहे हैं ओवर द काउंटर, इनोक्सापेरिन के इंजेक्शन, क्लेक्सिन. और मैं प्लीज अगेन, इनसे आपको बहुत ज्यादा जानलेवा ब्लीडिंग हो सकती है. सो प्लीज, द रोल ऑफ anticoagulants and steroids is there, but in a very small minority of patients, in a specific clinical setting, ek particular severity mein inka role hai, and never without medical supervision. So please prophylactically ki haan mujhe bimari badh na jaye, isliye steroid le lun,
या इसलिए नॉक्सापेरिन ले लूं या ओरल एंटीकोएगुलेंट्स ले लूं, प्लीज बिल्कुल एब्सोल्यूट नो नो।